बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कोलिनर्जिक फार्माकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम कैप्लान से कोलिनर्जिक फार्माकोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कोलिनर्जिक न्यूरो फैक्टर फंक्शन, तो ये आपको कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल नजर आ रहा होगा। इस कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल के ऊपर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से ड्रग्स इनको इनहिबिट कर देती है, स्टिमुलेट करवा देती है, वो सारा इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपको टर्मिनल एंडिंग नजर आ रही है। इस टर्मिनल एंडिंग के ऊपर एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है। पहले कोलिन और एसिटाइल को रिएक्शन करते हैं, एंजाइम होता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, और फिर कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एसिटाइल कोलिन को बनाने के बाद इसको एक वेसिकल में स्टोर करवा देगा। फिर वेसिकल में स्टोर करवाने के बाद एसिटाइल कोलिन पहुंचे टर्मिनल नर्व एंडिंग के पास। जब जब नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन इस जगह के ऊपर होगी, टर्मिनल नर्व एंडिंग के ऊपर, तब यहां पर कैल्शियम वाले चैनल ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगी। जब कैल्शियम सेल के अंदर एंटर होगा तो कैल्शियम इन वेसिकल्स को मूव करवा देगा। जब ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ टकराएंगे तब इनकी एक्सोसाइटोसिस होगी और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद एसिटाइल कोलिन के डिफरेंट एक्शंस होते हैं, अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर सकता है या फिर इसकी मेटाबोलिज्म होता है। ओके ठीक है, तो पहले इसके सारे प्रोसेस को समझ लेती है। आपको पता है कि कोलिनर्जिक प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग के अंदर सबसे पहले कोलिन को हमने एकोमुलेट करवाना है, और एकोमुलेट करवाने के लिए एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप होता है। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है सोडियम पंप के साथ लिंक्ड होता है। जिस तरह सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर था, जहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती थी, यहाँ पे भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो यहाँ पे कोलिन द्वारा जो पंप था वो कोलिन को एकोमुलेट कर लेगा, किसके अंदर, प्री सिनैप्टिक नर्व एंडिंग के अंदर। फिर इसके बाद होगा क्या, फिर कोलिन की अपटेक होगी। फिर कोलिन के जो अपटेक इनहिबिट करने वाला हेमिकोलिनियम होता है, अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ नंबर वन, और इसको ब्लॉक करने वाला हेमिकोलिनियम होता है। नेक्स्ट है एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होगी फ्रॉम कोलिन एंड एसिटाइल कोवे, एंजाइम होगा कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, और फिर इसके बाद एसिटाइल कोलिन सिनैप्टिक वेसिकल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। फिर प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन होगी। डिपोलराइजेशन के बाद वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगी। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जब ओपन हो गए तो कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, वो कैल्शियम सिनैप्टिक वेसिकल को मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा देगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की एक्सोसाइटोसिस होगी। एक्सोसाइटोसिस को ब्लॉक करने वाली जो कंपाउंड या ड्रग वगैरह कह सकते हैं, उसको बॉट्रिचिनम टॉक्सिन है, जो कि कोलिस्टिडियम बॉट्रिचिनम से प्रोड्यूस होता है। जो बॉट्रिचिनम टॉक्सिन होता है ये वी स्नेयर प्रोटीन को इनहिबिट कर देगा, जो कि एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाती है, उसकी एक्सोसाइटोसिस करवा देती है। यहाँ पे लिखा है कि जो बॉट्रिचिनम टॉक्सिन है सिनैप्टोब्रेमिन के साथ इंटरैक्ट करता है और दूसरी प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करता है, जिनको वी स्नेयर बोलते हैं, और इस तरह से जो बॉट्रिचिनम टॉक्सिन एसिटाइल कोलिन के रिलीज को ब्लॉक कर देगा। जब एसिटाइल कोलिन की जो रिलीज होगी वो ब्लॉक हो, यानी एसिटाइल कोलिन जब रिलीज नहीं हो पाएगा तो आके वो स्टिमुलेट नहीं करवा सकता, मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकता। तो बॉट्रिचिनम टॉक्सिन को हम यूज़ करते हैं ब्लेफरोस्पाज्म के अंदर, कि अगर आईलिड के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है उसको ब्लेफरोस्पाज्म बोलते हैं, स्ट्रैबिस्मस हो जाता है, हाइपरहिड्रोसिस हो सकता है, डिस्टोनिया, कॉस्मेटिक्स के अंदर बोटॉक्स के इंजेक्शन होते हैं, उसके अंदर बॉट्रिचिनम टॉक्सिन का काफ़ी ट्रेस अमाउंट यूज़ होता है। ओके, और कुछ कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल के पास प्री सिनैप्टिक आउटर रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको नजर आ रहा होगा प्री सिनैप्टिक आउटर रिसेप्टर्स होते हैं। आउटर का मतलब सेल्फ, यानी एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पर जाके खुद बाइंड कर सकता है, यानी एक्टिवेशन होने के बाद एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होगा तो एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा, और ये रिसेप्टर नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा होगा सिनैप्टिक क्लेफ्ट में तो अपने ही रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद अपने ही रिलीज को कम करवा देगा, तो ये फीडबैक इनहिबिशन के लिए होते हैं। जब एसिटाइल कोलिन सिनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाता है तो फिर इसके मेटाबॉलिज्म वाला एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस आ जाएगा, जो उसको तोड़ देगा, जो कि सिनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर मौजूद होता है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे या उसको इनहिबिट कर देंगे तो इस केस में एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स होती है, जिनको इनडायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक बोलते हैं, इसमें कार्बामेट आती है, एड्रोफोनियम आ जाएगी, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक है। ओके, जो रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर है इसमें वही एड्रोफोनियम, एनियोस्टिग्मिना, फाइसोस्टिग्मिना, एम्बिनोनियम होती है, पिरिडोस्टिग्मिन होती है, जबकि इरिवर्सिबल के अंदर मैराथियोन है, पैराथियोन है। इरिवर्सिबल के अंदर हम इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं। जो पोस्ट जंक्शनल रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं, जो इफेक्टर के ऊपर पड़े हुए होते हैं, वो निकोटिनिक भी हो सकते हैं, मस्क्रीनिक भी होते हैं, जो कि एसिटाइल कोलिन से स्टिमुलेट हो जाते हैं। अगर कोई ड्रग सीधा रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगी और एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को बढ़ा देती है तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक। लेकिन जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करती बल्कि इसके रिलीज को या इसके प्रो एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देती है, जो कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी, तो इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक। ओके, इनडायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक।
अब कहते हैं कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से सारे के सारे फंक्शन बढ़ जाते हैं सिवाय एक फंक्शन के, वो है कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। यानी जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, SNOT की एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, BP वगैरह कम हो जाता है, लेकिन जो बाकी सब चीज़ें हैं वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है, लाइक सिक्रेशन बढ़ जाती है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। अब हम मस्कुलिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसिटाइलकोलाइन इन्हीं दो रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है। तो पहले हम निकोटिनिक रिसेप्टर को पढ़ लेते हैं। जो निकोटिनिक रिसेप्टर है दो टाइप के होते हैं, NN और NM। जो NM होते हैं ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर पड़े हुए होते हैं और ये सोमैटिक ऑटोनॉमिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जबकि NN ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़े हुए होते हैं। जब NM की स्टिमुलेशन होगी तो फिर ट्विचिंग होगी, स्केलेटल मसल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जबकि एड्रिनल मेडुला के ऊपर NN पड़े होते हैं जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की एक्टिविटी सॉरी सिक्रेशन बढ़ जाती है। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर भी NN पड़े होते हैं, तो इनकी स्टिमुलेशन होने की वजह से पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों का फंक्शन बढ़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस ऑर्गन के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई डोमिनेंट है या सिंपैथेटिक डोमिनेंट है। तो ये तो हो गए निकोटिनिक वाले रिसेप्टर्स। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मस्कुलिनिक। तो जो मस्कुलिनिक होते हैं मेनली आपने याद रखने हैं कि मस्कुलिनिक वाले तीन टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, और जो निकोटिनिक है NN और NM। जो निकोटिनिक होते हैं आइनोट्रॉपिक होते हैं, ये किसी सेकंड मैसेंजर के जरिए काम नहीं करते और इनकी एक्टिवेशन की वजह से सोडियम या पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन या क्लोज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जबकि जो M1, M2, M3 ये मेटाबोट्रॉपिक होते हैं, जी प्रोटीन के जरिए काम करते हैं। जो M1 और M3 होते हैं GQ से कपल्ड होते हैं, ये फॉस्फोलाइपेसी को एक्टिवेट कराने के बाद IP3 डैक कैल्शियम मैकेनिज्म के जरिए काम करते हैं, जबकि M2 वाले GI से कपल्ड होते हैं, एडिनिलाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को कम करके साइक्लिक EMP को कम कर देते हैं। अब जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर है जो M1 होते हैं मेनली जो M1 CNS के अंदर पड़े हुए होते हैं, जो M2 होते हैं हार्ट के ऊपर पड़े हुए होते हैं, और कुछ M1 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर पड़े हुए होते हैं, स्टोमक वाले ग्लैंड्स के ऊपर पड़े हुए होते हैं, और जो M3 है ये सारे फैक्टर के पास पड़े हुए होते हैं। दोबारा बता देता हूँ, CNS के अंदर और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर M1 पड़े हुए होते हैं, जो M2 है वो सिर्फ हार्ट के ऊपर होते हैं और कुछ नर्व एंडिंग के ऊपर भी हो सकते हैं, और बाकी सारे फैक्टर के पास M3 हो गए। तो ये तो बात आसान होगी रिसेप्टर को याद रखना। ओके, आइस के ऊपर बात करते हैं, तो फिर आइस पे स्फिंक्टर प्यूपिलाई की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मियोसिस हो जाएगा, सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एकोमोडेशन फॉर नियर VN हो जाएगा, और ज़्यादा एक्टिवेशन की वजह से साइक्लोस्पाज्म भी हो सकता है। ऐसे नोट के ऊपर M2 पड़े हुए होते हैं तो उनकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगा, जिसको नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी बोलते हैं। AV नोट के ऊपर भी पड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगा, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपी बोलते हैं। लेकिन कोई भी मस्कुलिनिक रिसेप्टर वेंट्रिकल के ऊपर परकिंजे सिस्टम के ऊपर नहीं होता। अब बारी है लंग्स की, तो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्रोंकोस्पैज़म हो जाएगा, और लंग्स के जो ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशन ज़्यादा हो सकती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। GIT की बात करते हैं, स्टोमक की मोटिलिटी बढ़ सकती है, क्रैम्स हो सकता है, ग्लैंड्स की सिक्रेशन बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो फिर न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन सही तरह नहीं हो पाएगी, तो डायरिया हो सकता है, इनवॉलंटरी डेफिकेशन हो सकती है। ब्लैडर पे भी M3 होती है कॉन्ट्रैक्शन, डायट्रूजर की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और ट्राइगोन और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। तो स्फिंक्टर्स होते हैं मेनली वो रिलैक्स होते हैं सिवाय लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर के, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। जो ग्लैंड होती है उनकी सिक्रेशन बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, स्वेट ग्लैंड है, थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड के ऊपर तो M3 पड़े हुए होते हैं, लेकिन इनको स्टिमुलेट करवाने वाला सिंपैथेटिक होता है ना कि पैरासिम्पैथेटिक। स्लाइवेशन और लैक्रिमेशन भी बढ़ जाती है। ब्लड वेसल्स के ऊपर जो M3 रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं, लेकिन ये अनइनर्वेटेड होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर इनको सप्लाई नहीं कर पाता। ओके, यानी अगर आप इनडायरेक्ट एगोनिस्ट दोगे वो किसी काम के नहीं होगे, क्योंकि जब यहाँ पे कोई इनर्वेशन ही नहीं है तो यहाँ पे कोई एंजाइम भी नहीं होगा तोड़ने वाला, लेकिन अगर आप डायरेक्ट दोगे तो डायरेक्टली M3 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेंगे, डायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक M3 पर जाके बाइंड कराने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज को बढ़ा देंगे, इसके सिंथेसिस को इसकी रिलीज को बढ़ा देंगे, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है डायलेशन करवा देगा। अब हम मस्कुलिनिक एगोनिस्ट को पढ़ लेते हैं। तो जो मस्कुलिनिक एगोनिस्ट है जो एसिटाइलकोलाइन और कार्बाकोल दोनों रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं, चाहे वो मस्कुलिनिक है चाहे वो निकोटिनिक है, और इसको तोड़ने वाला एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस एंजाइम होता है। जो बिथेनाकोल है वो मस्कुलिनिक पर जाकर बाइंड करती है, लेकिन इसको एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस एंजाइम नहीं तोड़ पाता। जो मेथाकोलिन है वो भी मस्कुलिनिक पर जाकर बाइंड करती है, लेकिन इसको एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस एंजाइम तोड़ देता है। जो पाइलोकार्पिन होती है, सिमेमिलिन होती है, ये भी मस्कुलिनिक पर जाकर बाइंड करती है, लेकिन इनको एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस एंजाइम नहीं तोड़ पाता। जो एसिटाइलकोलाइन की वैसे हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, तो उसका कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं होता। जो बिथेनाकोल है ये RX क्या होता है, RX ट्रीटमेंट को शो कर रहा है, ठीक है, ओके, और DS का मतलब है डायग्नोसिस के लिए। जो ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी की जो डायग्नोसिस होती है उसको हम डायग्नोसिस के लिए मेथाकोलिन यूज़ करते हैं, जबकि जो बिथेनाकोल है ये पोस्ट ऑपरेटिव या न्यूरोजेनिक IDS को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह अगर ब्लेडर की टोन खत्म हो गई है, ए टोनी है,
यूरिनरी रिटेंशन रहता है, इस केस में मिथेनॉल यूज करते हैं। पाइलोकार्पिन है या जीरोस्टोमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है और ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्पेसिफिकली पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टैकमिन ग्लूकोमा की तरह आ जाती है। तो ये तो थे डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक होती है, जो रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं करते बल्कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। इसके अंदर एड्रोफोनियम, फाइसोस्टैकमिन, नियोस्टैकमिन, पाइरिडोस्टैकमिन, डोनपेजिल, रिवास्टैकमिन और ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स आ जाते हैं। जो एड्रोफोनियम है शॉर्ट एक्टिंग होती है और ये मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए आती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। जो फाइसोस्टैकमिन है टर्शियरी माइनस सीएनएस में एंटर हो जाएगा, तो ये ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फाइसोस्टैकमिन और पाइलोकार्पिन। इसके अलावा एट्रोपिन की ओवरडोज को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एज एंटीडोट। जो नियोस्टैकमिन है पाइरिडोस्टैकमिन है क्वार्टरनरी माइंस होते हैं, सीएनएस में एंटर नहीं होंगे, तो ये इस्तेमाल होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की है, यानी जो सीएनएस में एंटर नहीं होगा तो फिर पेरिफेरल के लिए स्पेसिफिक होती है। लाइक आइलियस है उसको ट्रीट करने के लिए, यूरिनरी रिटेंशन है, मायस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या न्यूरोमस्कुलर नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स जैसे रुक्रोनियम होता है, विक्रोनियम होता है, ट्यूबरक्युलिन होता है, इनके एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, जो डोनपेजिल और रिवास्टैकमिन लिपिड सॉल्युबल होते हैं, सीएनएस में एंटर हो जाती है, तो ये अल्जाइमर डिजीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट लिपिड सॉल्युबल होते हैं और ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं, इससे पहले भी रिवर्सिबल थे, तो ये इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लाइक मेलाथियोन, पैराथियोन है, और कुछ नर्व गैसेस के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं लाइक सेरिन। यहाँ पर अल्जाइमर डिजीज के बारे में लिखा हुआ है कि जो अल्जाइमर डिजीज है ये लेट ऑनसेट डिमेंशिया होता है, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है और कॉग्निटिव फंक्शन भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम डोनपेजिल यूज करते हैं और रिवास्टैकमिन यूज करते हैं, जो कि एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस इनहिबिटर है, क्योंकि जो अल्जाइमर डिजीज के अंदर स्पेसिफिकली जो मेन नॉट न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एसिटाइलकोलाइन के न्यूरॉन्स कम होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस इनहिबिटर यूज करते हैं। तो ये इसका रेशनल बता दिया है। अब हम पढ़ लेते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस इनहिबिटर। तो टॉक्सिसिटी ऑफ एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस इनहिबिटर में मस्क्रीनिक के इफेक्ट ज्यादा आ जाएगी, निकोटीनिक के इफेक्ट ज्यादा आ जाएगी, उसका निमोनिक होता है वह डंबल्स, डी से डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, एमएसिस, एक्साइटेशन ऑफ सीएनएस एंड स्केलेटल मसल, लैक्रिमेशन, स्लाइवेशन एंड स्वेटिंग है। तो ये तो डंबल वाला निमोनिक हो जाएगा। ओके, ठीक है। निकोटीनिक इफेक्ट में स्केलेटल मसल की इनिशियल एक्साइटेशन होती है, फिर बाद में पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है, और सीएनएस की स्टिमुलेशन भी हो सकती है निकोटीनिक रिसेप्टर की वजह से। मैनेजमेंट क्या होती है मस्क्रेनिक इफेक्ट, यानी अगर आपने मस्क्रेनिक इफेक्ट को खत्म कराना तो आपने एट्रोपिन यूज करनी है, या एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस एंजाइम को रीजनरेशन वाली, तो वो प्रालिडॉक्सिम होती है, ठीक है। ओके, और प्रालिडॉक्सिम कब यूज करते हैं, जब ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि जो टाइम डिपेंडिंग एजिंग होती है, अगर टाइम डिपेंडिंग एजिंग यानी जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहता है तो पैरालिडॉक्सिम जो सॉरी जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है इनका जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है और एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस एंजाइम के साथ वो स्ट्रॉन्ग होता रहता है, तब आपने ये वाला पैरालिडॉक्सिम को जल्दी से यूज़ कर लेना है, क्योंकि एक मरतबा एजिंग होगी तब ये किसी काम के नहीं होते। तो यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट लिखे हुए हैं कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं ये एस्टेरेटिक साइट को क्या करते हैं, एस्टेरेटिक साइट को फॉस्फोरिलेट करते हैं। जब एस्टेरेटिक साइट को फॉस्फोरिलेट करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, तब इस केस में क्या होगा, एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो जो फॉस्फोरिलेशन होती है, अगर फॉस्फोरिलेशन को रिवर्स करने वाला कौन होता है, पैरालिडॉक्सिम होता है, या आपको नजर आ रहा होगा फॉस्फोरिलेशन को उसने रिवर्स कर लिया है। ओके, और ये R क्या है, R लिविंग ग्रुप है, और P क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ठीक है। लेकिन अगर एक मरतबा एजिंग होगी तो फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट एंजाइम क्या परमानेंट पार्ट रहते हैं, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। ओके, तो एक मरतबा अगर एजिंग होगी ना तो ऑर्गेनोफॉस्फेट परमानेंटली बाइंड कर लेंगे एंजाइम के साथ और इनके टॉक्सिसिटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये तो हो गया मस्क्रेनिक एगोनिस्ट। अब बारी है मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट की। तो मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट के अंदर जो सबसे फेमस वाला है वो एट्रोपिन होता है। ओके, एट्रोपिन सबसे इंपॉर्टेंट मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट है। कितना चैप्टर रह गया है। तो जो एयरट्रोपिन या प्रोटोटाइप होता है मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट के अंदर टर्शियरी अमाइन है, तो सीएनएस के अंदर एंटर हो जाएगा, लाइक फाइसोस्टैकमिन है। तो जो फाइसोस्टैकमिन और एयरट्रोपिन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल काम करते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देख लेते हैं, एयरट्रोपिन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डोज के, अगर डोज बढ़ाते हैं आपको क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। इनिशियली सिक्रेशन कम हो जाती है, चाहे वो सलाइवरी सिक्रेशन है, ब्रोंकुलर सिक्रेशन है, स्वेट है, मिडरेसिस हो जाएगा, साइक्लोप्लेजिया हो जाएगा, हाइपरथर्मिया हो जाएगा जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाएगा, सेडेशन है, यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, और लास्ट में बिहेवियर फंक्शंस वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगी, लाइक एक्साइटेशन हो जाएगी, सीएनएस की हालोसिनेशन आना शुरू हो जाती है। दूसरी और कौन सी ड्रग्स हैं दूसरी क्लास की जिनके पास एंटी मस्क्रीनिक एक्टिविटी होती है, लाइक एंटी हिस्टामिन इनके पास भी मस्क्रीनिक ब्लॉकर वाली एक्टिविटी होती है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी साइकोटिक है, क्विनिडीन है, इसके पास भी एंटी मस्क्रीनिक पावर होती है, एमेंटाडीन है, मैपराडीन है, एमेंटाडीन पार्किंसन के अंदर यूज होती है, मैपराडीन ओपियाइड है, क्विनिडीन ये इस्तेमाल करते हैं
वन ए के अंदर, वन ए एंटी रिदमिक है, टी सी ए एंटी डिप्रेसेंट और एंटी हिस्टामिन के आपको पता है डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो एच वन ब्लॉकर्स होते हैं एलर्जी को ट्रीट करने के लिए, जबकि एच टू एसिड पेप्टिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर एक्यूट इंटॉक्सिकेशन होती है एट्रोपिन की, तब आपने सिप्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है और फाइसोस्टिग्विन देनी है, क्योंकि दोनों के दोनों टर्शियरी अमाइन है, उनके क्लिनिकल यूजेस की तरफ आ जाते हैं। जो एट्रोपिन होता है एंटी स्पाजमोटिक क्लिनिकल कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, एंटी स्पाजमोटिक, एंटी सिक्योरिटी, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर की टॉक्सिटी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट या एंटी डायरियल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, ऑप्थल्मोलॉजी में इस्तेमाल होता है, लॉन्ग एक्शन के तौर पर ये बच्चों में इस्तेमाल होता है, ट्रोपिक एमाइड ऑप्थल्मोलॉजी में इस्तेमाल होता है, टॉपिकली अप्लाई करते हैं, इप्राट्रोपियम टीओट्रोपियम या अस्थमा में और सीओपीडी में इस्तेमाल करते हैं, इनहेलेशन रूट से देते हैं, सीएनएस में एंटर नहीं हो पाते और इनका म्यूकस की विस्कोसिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं होता। जो स्कोपोलामीन है मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी वजह से सिडेशन और शॉर्ट टर्म मेमोरी ब्लॉक हो सकता है, वेनस्ट्रोपिन और ट्राइहेक्सीफिनिडाइल लेबर सालोबाला है सीएनएस में एंटर हो जाएगी, पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। और इसके अलावा जो दूसरे एक्यूट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होते हैं जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक की वजह से होती है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो ऑक्सीब्यूटानिन है ये ओवर एक्टिव ब्लेडर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है। आगे द एक्शन ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन इज थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, इट्स द प्रिवेंशन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज। यहाँ पर ईएनएस डोमिनेंस पड़ लेती है, कुछ ऐसे इफेक्ट और टिश्यू होते हैं जिनके पास आउट सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों होती है, ठीक है, ओके। अब वो किन किन ऑर्गन्स होते हैं जिनके पास जिनके अंदर पैरासिंपैथेटिक डोमिनेट करती है, ठीक है, हार्ट के ऊपर जैसे एस ए नोट, ए वी नोट, प्यूपिल के ऊपर, जी आई टी के ऊपर, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक के मसल्स के ऊपर, स्फिंक्टर के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेट करती है। तो सिम्पैथेटिक होती है वो वैस्कुलर टोन के ऊपर और थर्मो रेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड, इन्हीं दो जगहों के ऊपर डोमिनेट करती है, बाकी जगह के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेट करती है, ठीक है। या उन फैक्टर की बात कर रहे हैं जिनके अंदर सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों इनर्वेट करती है। अब है निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अभी तो हमने मस्कुलिनिक पढ़े थे, अब हम निकोटिनिक को पढ़ लेते हैं। अब ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होते हैं वो एनएन को ब्लॉक कर देगा, जब एनएन को ब्लॉक कर देगा सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन कुछ टिश्यू के ऊपर सिंपैथेटिक डोमिनेंट होता है, कुछ में पैरासिंपैथेटिक होता है। जो पैरासिंपैथेटिक होता है वो हमें बाकी सारी जगहों पे देखने को मिलता है, सिंपैथेटिक ब्लड वेसल्स के ऊपर, थर्मोरेगुलेटर स्वेट ग्लैंड के ऊपर ज़्यादा हमें डोमिनेट देखने को मिलता है। तो अगर हम हेक्सामेथोनियम मेकामेलामिन यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों के दोनों उड़ जाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा वो ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और इसकी वजह से बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्स चेंज ये भी खत्म हो जाएगा। ये आपको पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर का, ओके। अब यहाँ पर लिखा है कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर ड्रग का क्या क्या इफेक्ट हो सकती है, आर्टरियोल्स के ऊपर सिंपैथेटिक डोमिनेट करते हैं, वेन्स के ऊपर भी सिंपैथेटिक डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो वैसोडाइलेशन हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगी, वेन्स की डायलेशन होगी तो वेनस रिटर्न कम से कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, हार्ट के ऊपर पैरासिंपैथेटिक डोमिनेट करता है, जब पैरासिंपैथेटिक खत्म हो जाएगा टैकीकार्डिया हो जाएगा, आयरस के ऊपर पैरासिंपैथेटिक तो मिडरेसिस हो जाएगा, सिलेरी मसल के ऊपर पैरासिंपैथेटिक जब वो खत्म हो जाएगा तो साइक्लोप्लीजिया हो जाएगा, जीआईटी पर पैरासिंपैथेटिक तो टोन और मोटिलिटी कम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ब्लैडर के ऊपर सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर पैरासिंपैथेटिक तो यूरिनरी रिटेंशन और जेरोस्टोमिया हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड के ऊपर सिंपैथेटिक तो एनहाइड्रोसिस हो जाएगा, ओके। तो जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होती है ये बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्स को खत्म कर देती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग यूज करो, जैसे डायरेक्ट मस्कुलिनिक एगोनिस्ट यूज करो या डायरेक्ट बीटा वन ब्लॉकर यूज करो, तो जो डायरेक्ट वाले होते हैं उनके इफेक्ट को गैंग्लियोनिक ब्लॉकर खत्म नहीं कर सकती, लेकिन जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होती है ये रिफ्लेक्स चेंजेस को खराब कर देती है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है, वह है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग, लेकिन जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग है उनको सीएनएस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको हम भी सीएनएस के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है कोलिनर्जिक फार्माकोलॉजी की, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।